हाय, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड नई नई वीडियोस आती रहती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम डेटाबेस की डिटेल यहाँ पर फैच करके शो कर सकते हैं। ये एक डिटेल पेज है एक वेबसाइट का, इस पर मेरे को डेटा शो करना है। डेटाबेस का जो डेटा है वो टेबल में सेव है। ठीक है, टेबल में हमारा डेटा है, जैसे इमेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ईमेल आईडी, ये फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स वगैरह हैं, ये सारा डेटा टेबल से शो होगा। डेटाबेस ये है हमारा, ये टेबल्स हैं, तो ये इस टेबल से हमें डेटा डिस्प्ले करना है। वहाँ पे काफ़ी सारे इसमें कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम्स का डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो सब प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे वो सब होता है। ये मेरा डिटेल पेज है जहाँ पे मेरे को डेटा डिस्प्ले करना है। कहाँ से करना है? टेबल से करना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद मेरे को जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में बेसिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ से हम डेटा पास करेंगे, कैसे करेंगे? आईडी के थ्रू करेंगे। यहाँ से आईडी हम ऐसे ना, जो यूआरएल में डालते हैं आईडी, वो सब डालना है। यहाँ पे एक यूआरएल पास करेंगे इस टाइप से। यूआरएल में क्या रहेगा? ऐड आईडी रहेगी हमारी। लेट सपोज ये ऐड आईडी है, ठीक है, ये ऐड आईडी, तो ये यूआरएल में रहेगा, उसके थ्रू हम यहाँ पे डेटा फैच करके लाएंगे। सबसे पहले एक जो ये फंक्शन रहेगा हमारा, ये हमें जो बनाना होगा, ये पैरामीटराइज फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पे एक पैरामीटर हम पास करेंगे, ऐड आईडी, ठीक है, ये पैरामीटर पास कर दिया। अब जो इसका राउट है वो भी पैरामीटर वाला बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो इसका राउट बनाया हुआ है, सिंपल नॉर्मल जो राउट रहता है वो ही बनाया हुआ है। तो चलते हैं वेब डॉट पी एच पी फाइल में, यहाँ पे जाके हमें वो वाला पैरामीटर वाला राउट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने पास कर दिया है ऐड आईडी। तो ये मैंने कर दिया है। तो अब चलते हैं फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी कि डेटा वहाँ से फेच करके लाए जहाँ पे ये आईडी उसको मिले। तो ये क्वेरी जो है मैं ऊपर से ही उठा लेता हूँ कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे इसमें फंक्शन बनाए हुए हैं। तो ये जो है इसी तरीके का मेरे को करना है, जैसे ये एडिट में उठाया हुआ है। तो नीचे चलते हैं और ये वाला यहाँ पे हम डाल देते हैं, गेट एड्स, जहाँ पे एड आईडी ये रहेगा और गेट कर देगा। उसके बाद अगर इसमें डेटा आता है तो व्यू को दिखा देगा। व्यू में हम यहाँ पे डाल देंगे यूजर डॉट डिटेल्स, नहीं डिटेल ही डलेगा वो, एक्चुअली डिटेल्स डाल दिया और यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया, गेट एड्स ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया। फिर व्यू में जाके, ब्लेड फाइल में जाके हमें हम डेटा वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अब चलते हैं ब्लेड फाइल में, जो हमारी ब्लेड फाइल है डिटेल डॉट पी एच पी करके, ये मेरा व्यू है, ब्लेड फाइल जो है डिटेल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब यहाँ पे मेरे को टाइटल डिस्प्ले करना है। सबसे पहले एक फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सबसे टॉप में, यहाँ पे फॉर लूप लग जाएगा और नीचे इसका एंड हो जाएगा। लास्ट में देख लेते हैं जहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होता है, क्योंकि ये सारा डेटा डिस्प्ले करना ही है। तो एंड एंड सेक्शन के जो ऊपर है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, एंड फॉर ईच, ये मैंने लगा दिया। अब मेरे को टाइटल इसमें फैच करना है, तो टाइटल मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइटल ऐसे होगा यूज़, जो हमारा ये वेरिएबल है डेट,
फिलहाल मैंने टाइटल फैच कर लिया है, अभी इसको ना ऐसे ही चला के हम देखते हैं। मेरी एड आईडी 35 है, तो अभी फिलहाल मैं 35 यहाँ पे डाल के देखता हूँ, तो ये चलना चाहिए, बट ये कुछ एरर इसमें दिखा रहा है। यहाँ पे ना ऐसे हमने स्लैश नहीं लगाया, एक्चुअली यहाँ पे स्लैश भी लगाना था, तो देखते हैं चला के। इट्स टेकिंग टाइम, आई थिंक इट्स वर्किंग। यस, अब देख रहे हो ये टाइटल जो है हमारा टेबल से आ रहा है। अब यहाँ पे डेट और ये आईडी वगैरह हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले, डेट डिस्प्ले करानी है, तो सेम वही फॉर्मेट रहेगा, बस इसके जो ये कॉलम नेम है वो चेंज होते रहेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है फिलहाल। यहाँ पे मेरे को एड आईडी प्रिंट करानी है, जो हमारी एड आईडी है उसका जो कॉलम है वो एड आईडी समथिंग ऐसे करके है, और यहाँ पे जो इसका कॉलम है वो है क्रिएटेड एट, तो क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, ठीक है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। ये तो हमारा डेटाबेस है, ये हमारा ये है। टाइम और आईडीज में आ गया है, ये हमारी डेट वगैरह और टाइम वगैरह आ गया, और यहाँ पे ये आईडी भी आ गया है। अब मैं लगाता हूँ जो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये सब मैं इसमें फैच कर लेता हूँ। तो चलते हैं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे चलते हैं कहाँ पे, देखते हैं कहाँ पे है। ये यहाँ पे है, कहाँ है, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो है, ये ईमेल आईडी है, हाँ यहाँ पे ईमेल आईडी है, और यहाँ पे है, देखते हैं क्या क्या है, आई थिंक ये ईमेल ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या था वो फंक्शन, वो सॉरी वेरिएबल क्या था, डेट, और यहाँ पे ऐसे करके ईमेल हमारे फील्ड का नेम है, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं ये क्या है, फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे देख लेते हैं फ़ोन नंबर क्या है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, और ये क्या है, आई थिंक ये फ़ोन है। तो ये फील्ड नेम देख लेते हैं क्या क्या फील्ड नेम है इसमें, फ़ोन नंबर, ये मोबाइल नंबर का फील्ड का नेम, कॉलम का नेम मोबाइल नंबर है, तो ये मोबाइल यहाँ पे आना चाहिए, मोबाइल मैंने दिया, और अब देखते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे। रिफ्रेश मैंने किया, और ये आप देख रहे हो ये सब आ रहा है, ये ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आ रहा है प्रॉपरली, तो बाकी व्हाट्सएप नंबर नहीं आ रहा है। चलते हैं हमारे डेटाबेस में, टेबल में, देखते हैं व्हाट्सएप नंबर क्या डाला हुआ है इसमें, व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, होना तो चाहिए व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर गाइस इसमें नहीं है, तो मैं ना ये करता हूँ, यही जो नंबर है ऐसे ही एज ए व्हाट्सएप में यूज़ कर लेता हूँ, तो इसका मोबाइल मैं यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी हमारा आ गया है। अब क्या करना है, अब ये इमेज डिस्प्ले में करता हूँ, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए कहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा वो बैनर चलता है, तो ये हमारा बैनर है, तो यहाँ पे स्लाइडर लिस्ट और नेविगेशन लिस्ट, ये हमारी स्लाइडर लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले लेते हैं हमारा जो स्लाइडर है, स्लाइडर जो इमेज हमने अपलोड की है वहाँ पे, वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब जो इमेज है जो हमारी, वो एरे फॉर्मेट में है यहाँ पे डेटाबेस में, ये आप देख रहे हो ये जेसन का फॉर्मेट आ रहा है, लूप के थ्रू हमें वहाँ पे डिस्प्ले सब करना पड़ेगा। फिलहाल जो फालतू का ये कंटेंट है मैं हटा लेता हूँ इसमें से,
यहाँ पे जाके लूप चलाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लूप चला दिया है, ये मैंने उसका जो यूआरएल रहता है इमेज का वो मैंने दे दिया, क्योंकि पब्लिक फोल्डर में इमेजेस के जो फोल्डर हैं, इमेजेस का नाम का एक फोल्डर है, उसमें जाके इमेज हमारी पड़ी हुई है। और ये थंब आ रहा है बन के, ये थंब भी हमें इसी टाइप से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी टाइप से लूप ये चलाना पड़ेगा, ऐसे ही मैं लूप चला लेता हूँ और ये भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये हटा देते हैं, और सेम इसी टाइप का जो ये यूआरएल है इसका जो एड्रेस है वो ही यहाँ पे डालना है। ये थंब एक्चुअली जो क्लिक करके आप जाते हो ना उस इमेज पे, तो वो है ये। तो अब देखते हैं फिलहाल इसको, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारी इमेज है और ये एक ही आ रहा है। अगर इसमें और मल्टीपल इमेज होती तो वो भी आता। और यहाँ पे ये इंडेक्स भी हमें थोड़ा इसका कुछ यहाँ पे डालना पड़ेगा, लूप लेके हम डाल सकते हैं इसको, वेरिएबल लेके, सॉरी वेरिएबल लेके हम यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करा के वो सब डाल सकते हैं। तो मैं डेटाबेस में ना एक इमेज और घुसा देता हूँ उसमें, इससे क्या रहेगा हमारा ये टेस्टिंग करके हम देख लेते हैं। तो एक इमेज मैंने वो डाल दिया इसमें। अब चलते हैं कहाँ पे, हमारे पेज पे। बट ये नॉट फाउंड इसमें दिखा रहा है, नॉट फाउंड पे दिखा रहा है। अच्छा डॉट जेपीजी तो मैंने उसमें लगाया नहीं, तो मैं डॉट जेपीजी में लगा देता हूँ। अब देखते हैं इसे क्या बन के आता है। तो अब ये आ रहा है बन के ना, तो ये इमेज मैंने डाल दी है इसमें, दो इमेज फिलहाल आ रही है। बट ये आप देख रहे हो क्लिक करने पे ना इंडेक्स चेंज नहीं हो रहे। इमेज चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने जो यहाँ पे किया हुआ है ना, कहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इंडेक्स ज़ीरो ही ले रहा है वो। तो यहाँ पे ना एक वेरिएबल लेके हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसका जो इंडेक्स है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पीएचपी में यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, लारावेल में ऐसे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं ब्लेड फाइल में। और यहाँ पे वो वेरिएबल मैंने इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे इनिशियली ये ज़ीरो ले लेगा, उसके बाद जैसे ही लूप चलता रहेगा 1 2 3 जितनी इमेज होंगी उसके अकॉर्डिंग काउंट करके यहाँ पे वैल्यू डालता रहेगा, और हमारा जो ये है ये ठीक ठाक चल रहा है। अभी पहले इंडेक्स चेंज नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सब उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जा रहा है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें, कैसे डेटा फैच करते हैं, कैसे हम इमेज जिसमें डिस्प्ले कराते हैं वो सब। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।